क्या विराट कोहली अब चेस मास्टर नहीं रहे? उनका लगातार फ्लॉप शो जारी है और साथ ही साथ श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने उनका संघर्ष देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर। आपको याद होगा एक दौर था जब अगली टीम 240 बनाती थी या 250 बनाती थी या 260, और मजाक मजाक में उसको चेस कर लिया करते थे क्योंकि विराट पे भरोसा रहा था। उस समय लोगों को विराट पे भरोसा था, एतबार था और आज भी है, लेकिन वही विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए हैं। दोस्तों ये फॉर्म होता है और ये फॉर्म कभी आता है और कभी जाता है, लेकिन क्लास तो उनके अंदर है और वो क्लास देखने को नहीं मिला है इस श्रृंखला में। 3 मैचों में अगर आप देखें तो वो फ्लॉप ही नजर आए हैं और आउट होने का अंदाज भी जो था वो एक ही अंदाज था LBW के तौर पर। स्पिनर के खिलाफ ODI में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला है विराट कोहली की बैटिंग में, और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही स्पिनर के खिलाफ आप कह सकते हैं कि वही अंदाज खेलने का और तीनों बार LBW। ये तो मजाक हो गया टीम के साथ और विराट कोहली के साथ भी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या वो विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं? क्या विराट कोहली की अब वो चेसिंग मास्टर की टेक्निक बहुत बेहतर नहीं रही है? और ये इंडिया पर भारी पड़ गया दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ ODI में। और मैं आपको बताना चाहूंगा विराट ने एक अपनी छाप छोड़ के रखी है इससे पहले ODI में। उनके शानदार रिकॉर्ड ये बताते हैं कि दुनिया के वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन पहली बार आप देखें तो उनके करियर पर एक ऐसा दाग लगा है कि उसको आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा पहले मैच में 24 बनाया, दूसरे में 14 बनाया और तीसरे में 20 बनाया, टोटल 50 से भी कम केवल 48 बनाया। और इस तरीके से एवरेज आप देखें तो 16 की रही और स्ट्राइक रेट 69 का। ऐसा कभी नहीं हुआ एक बायलेटरल सीरीज में। वैसे देखा जाए तो इस साल 2024 में अगर आप उनकी बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर तो 15 पारियां रही हैं जिसमें 296 रन, एवरेज महज 19.73 और 1.5 अर्धशतक लाया है। और ये T20 और ODI दोनों की मिला की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ऐसे में ये एक सवाल उठता है। खैर T20 में तो उन्होंने अलविदा कह दिया है, संन्यास ले लिया है। T20 में भी लोग उनके ऊपर सवाल उठाते थे कि थोड़ा स्लो खेलते हैं, बहुत तेज नहीं खेलते हैं, जैसे बाबर आजम के बारे में कहा जाता है। ये कोई बात नहीं क्योंकि T20 का एक अलग फॉर्मेट है, वहां पे कुछ नए खिलाड़ी आते हैं, उनका नोखा अंदाज होता है ऑर्थोडॉक्स खेलने का। लाइक हेनरी क्लासिन को आप देख ले, सूर्या की बैटिंग देख ले, तो ऐसे शो चलते रहते हैं। लेकिन ODI के तो बादशाह रहे हैं विराट कोहली। ऐसे में क्या हुआ इनकी बैटिंग ये फ्लॉप रही है? इनका फॉर्म में ना होना टीम इंडिया के लिए चिंताजनक बात है और खुद के लिए भी देखा जाए तो इनके लिए एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ऐसे में ODI की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में अब चैंपियंस ट्रॉफी पे निगाहें हैं और उससे पहले मैच केवल 3 मैच खेला जाना है। तो दोस्तों ऐसे में चेस मास्टर का रोल बहुत अहम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस सीरीज में विराट कोहली का ना चलना मुझे लगता है श्रीलंका के लिए एक बड़ी बात हो गई है। ऐसे में भारत ये जरूर सोचेगा कि विराट कोहली जल्दी से फॉर्म पाए और उनके फैंस भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी से अपनी एक अमिट छाप छोड़े। और वो विराट कोहली जिसने कई वर्षों तक नंबर 1 की रैंकिंग रखी है ODI में, बादशाहत कायम की है ODI में, ऐसे ही विराट कोहली से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए वो बेहतर खेले। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।